तो हम जनरल फॉर्मूले से लेके चलते हैं स्टार्टिंग में जो कि हो जाता है n 5 m into i n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्न्स 5 मेरा uh, flux, m मैग्नेटिक फ्लक्स m म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट और i मेरा है करंट ठीक है तो इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये मेरे पास आ जाएगा d n 5 dt to, m कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा di dt ठीक है या आ जाएगा हमें हाँ पता है जो हमारा फ्लक्स होता है और इंड्यूस डी एम कैसे रिलेटेड होता है इंड्यूस डी एम एफ इजिकल्स टू एन एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो एन डी फाई बाई डी ये होता है कि इस तो मेरा इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पूरा क्या हो जाएगा इंड्यूस डी एम एफ इजिकल्स टू एम डी आई बाई ठीक है डी आई बाई ठीक है तो इस केस में हमको क्या दिया है? कि इसकी ये लाइन का मतलब क्या है कि अगर मेरा करंट चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तभी मेरा क्या इंड्यूस डी एम प्रोड्यूस होगा पर इसमें क्या लिखा है कि करंट फ्लोज इन वन इज़ ओनली टू वन इज़ टू एम ठीक है मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज ही नहीं हो रहा मतलब डी आई वाई वाला जो कंपोनेंट है मेरा वो जीरो हो गया मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ई इज इक्ल्स टू एम इंटू जीरो हो गया ठीक है तो एम मेरा क्या आ जाएगा जीरो ठीक है तो इसीलिए जो मेरे सॉरी इंड्यूस डी मेरा क्या आ जाएगा जीरो ठीक ठीक है, है, इसलिए मेरा आ गया क्लास से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड कर व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर